वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आप लोगों में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 20% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब्ड है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको मैं विनती करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे लिए आपका जो प्यार है मेरे कंटेंट के प्रति वो दिखाता है, जो कि मुझे ऐसे और अच्छे कंटेंट बनाने में और प्रेरित करते हैं। तो चलिए अभी वीडियो पे लॉन्च चलते हैं। तो ऑलरेडी रेडी होके अभी निकल चुका हूँ, तो जानो कैंडियन कल्चरल डांस होता है वो देखने। तो थोड़ा नहा लिया तो अभी बेटर लग रहा है, नहीं तो बहुत ही गर्मी लग रहा था। और सर जा रहे थे अभी किसी को हमारे होटल से पिकअप करने, तो उनके साथ ही चला जा रहा हूँ मेन स्ट्रीट तक, कैंडी लेक तक, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखते हैं उधर एंट्री शायद 2000 है मोस्टली। तो ऑलरेडी आ चुका हूँ और बैल्कनी में एक सीट मिल गया है, तो अभी इधर ही वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ। और जो पहले से रिजर्व कर चुके हैं तो उनका अच्छा है, बाकी आपको जो सीट मिले बैठ जाओ। देखते हैं कितने बजे शुरू होता है शो। और एसी तो नहीं है, बहुत गर्मी है, भयानक गर्मी है भाई। ठीक है अभी देखता हूँ शो, 5 से 6 तो बोला था, अभी 5 बज के कितना हो गया, 7-8 मिनट हो गया, अभी शो शुरू भी हो रहा है, दिखाता हूँ आप लोगों को।
no walking. Thank you. तो कैंडी कल्चरल शो देख के जस्ट निकला। तो ये एक चीज है कि आप जरूर आओ। टेम्पल आई डन विद टेम्पल, थैंक यू फ्रॉम इंडिया। या तो ये एक चीज है कि आप जरूर आ सकते हो और मजा आएगा आपको। तो इधर आप आने का प्लान करो। इधर के लिए आपको 2000 लंकन रुपी लगेगा और एक घंटे का शो है तो वर्थ है। फायर शो से शुरू करके इधर का जो कल्चरल हेरिटेज है वो सब कुछ के बारे में एक डांस शो होता है। तो और आपको इधर मतलब इंडिया का जो सिग्निफिकेंट मतलब अपने जैसा ही लगेगा एक्चुअली। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखो अगर आप कैंडी आओ तो। और नेक्स्ट अभी मैं बस कैंडी लेक के इधर ही घूम रहा हूँ। देखिए इसके बाद एकदम डिनर विनर करके फिर लौटूंगा अपने BNB में। और अभी वेदर मस्त लग रहा है और अभी बस सूरज ढलने वाला है तो वेदर मस्त लग रहा है तो आराम से घूम सकते हो। दिखाता हूँ आप लोगों को, रुकिए ये देखिए। और दूर जो है वो है बोधि टेम्पल, शायद उधर आप जाना चाहो तो जा सकते हैं। मैं तो नहीं गया आज, जाने वाला था लेकिन इतना गर्मी था कि कैंसिल कर दिया। तो बस यही है। और कल्चरल शो में अगर परफॉर्मेंस के साथ आपको पिक्चर लेना है तो आपको मतलब डोनेशन के लिए पूछते तो अगर आपको देना है तो दे सकते हो। तो मैं 500 लंकन रुपी दे दिया और इधर एक डक आराम से चल रहा। सीधा चला भाई, तू भाई अपनी तरफ से चल रहा है। तो ये कल्चरल शो का लोकेशन आपको बता दूं कि ये एकदम टेंपल टूथ रेलिक जो है उसके एकदम सामने होता है। तो अगर आप आओ तो आराम से प्लान कर सकते हो। 5 बजे ये देख लो शो और 6 बजे से इधर टूथ रेलिक में पूजा चालू होता है तो उस समय घुसने का और अच्छा रहेगा। तो वो प्लान करो। बाकी तो और कुछ नहीं फिलहाल। बाकी अभी घूम रहा हूँ, अभी आराम, हल्का ठंडा ठंडा लग रहा है, एक अच्छा फीलिंग है।
और ये देखो बहुत सारे मछली है। वेदर का वॉक भी बहुत ही प्लेजेंट है, अभी वेदर जो है मस्त है, हल्का ठंडा ठंडा वेदर है, एसी का भी ज़रूरत नहीं आप शाम को, आपको हल्का ठंडा ठंडा वेदर है, आराम से घूमो, आराम से घूम के फिर अपने अनुसार रूम में चले जाओ। वही करूँगा मैं अपने अनुसार, मतलब 8-9 बजे तक घुस जाऊँगा, क्योंकि कल सुबह फिर मेरा ट्रेन है 8:47 को नानू वोया के लिए, वो तो मिस नहीं करना, तो फिलहाल वही प्लान है। देखता हूँ अभी डिनर कहाँ करूँ, फिलहाल तो बस 6 ही बजे हैं, तो 7:30-8 बजे तक कर लूँगा कहीं। और ये जगह मस्त दिख रहा है, पीछे देख पा रहे हैं, अभी बस सनसेट होगा होगा ऐसा सीन है, जब सनसेट तो हाँ सनसेट हो गया, बस थोड़ा बहुत जो लास्ट बचा रहता सूरज का के भाई अभी मैं डूब रहा हूँ ऐसा सीन है। और बहुत ही काम है, मस्त जगह है। तो शाम का ये कुछ सीन है, चॉकलेट फैन है अलग ही, और ये फ्रूट्स एंड ऑल का शॉप है शायद, फ्रूट्स में क्या बेच रहा है, फ्लावर्स बेच रहे शायद, अगर आपको पूजा देना है तो उस हिसाब से आप इधर से खरीद सकते हो। एम्पायर कैफे है, सोच रहा था थोड़ा चाय पी लूँ, लेकिन अब चाय तो अभी नहीं पीना, अभी इधर ही थोड़ा घूमता हूँ। अभी फिलहाल ऐसे ही घूम रहा हूँ, थोड़ा कैंडी शहर का थोड़ा दर्शन करता हूँ घूम घाम के, क्योंकि अभी तो बस 6:30 बजे तो इतना जल्दी रूम में जाके कोई फ़ायदा है नहीं, तो कैंडी शहर को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ इधर उधर जाके, पैदल ही ज़्यादा दूर तो नहीं जाना, तो पैदल ही एक्सप्लोर करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जगह दिखने में तो मस्त लग रहा है, बैंक ऑफ सिलोन, बहुत ही आवाज कर रही है ये क्या बेच रहे हैं। तो इधर एक लोकल शॉपिंग मॉल है, नाम क्या है तो भूल गया, देखते बताता हूँ आप लोगों को, शॉपिंग मॉल नहीं लोकल ग्रॉसरी स्टोर, इसका नाम है, नाम नहीं है, 5 9 9 4, तो उधर ही आया था, तो इधर आके कुछ चिप्स और कल के लिए चिप्स और ट्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट, हाँ ब्रेकफास्ट तो मिल ही जाएगा, बस रख लिया चिप्स और सब कुछ जो खा सकता हूँ, और उसके बाद एक बॉडी वॉश लेना था, लेकिन बॉडी वॉश का प्राइस ठीक ठाक नहीं लगा मुझे तो नहीं लिया, और बड़ा है छोटा वाला नहीं है, तो अभी इधर ही घूम रहा हूँ आपको दिखाता हूँ, ये जगह बहुत ही शानदार है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप खाना चाहते हो तो खा सकते हो, इधर ही कहीं खा लूँगा डिनर कुछ देर में, अभी ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, 7:30 बजे घुस जाऊँगा कहीं, और खा के बैक टू होटल की तरफ। तो एक लाइम टी लिया, इधर सेलोन टी कैबिन बोल के एक जगह है, उधर आया हूँ, लाइम टी लिया तो कोल्ड लाइम टी 300 लंकन रुपी, जो कि 79 कटा,
और इधर बिरयानी भी मिलता है। उन्होंने पूछा कि कौन सा स्टाइल, श्रीलंकन का भी कोई स्टाइल होता है कि नहीं श्रीलंकन बिरयानी, तो उन्होंने इंडियन स्टाइल का ही बिरयानी है। तो देखता हूँ अभी डिनर का सोच रहा हूँ, ये चाय पी के फिर प्लान करता हूँ, 8 बजे तक डिनर कर लूँगा, डिनर करके फिर होटल की तरफ। और कल सुबह तो 8:47 को ट्रेन है, तो अभी यही फ़िलहाल प्लान है। और इधर बैठा हूँ अभी फ़िलहाल, अच्छा जगह है कैंडी, अच्छा लग रहा है, ओवरऑल एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, तो यही बोलना था। और टायर्ड तो बहुत, क्योंकि कल रात को ठीक से उतना सोया नहीं, और आज जाके पूरा घूम ही रहा हूँ। बस एक बार 1 घंटे के लिए ही गया था रूम में, रूम में जाके थोड़ा फ्रेशन अप होकर फिर निकल गया शो के लिए। तो ये कुछ टी मिला है, बहुत ज़्यादा ही मीठा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मीठा है। एक थिक फ्लेवर तो है लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा लग रहा है, सिरप नीचे बैठ गया और टी ऊपर आ गया। मिक्स करने के बाद अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। अभी तक तो मुझे इधर का चाय पसंद नहीं है, लेकिन कल देखता हूँ, कल टी प्रैक्टिस में जाऊँगा, क्योंकि इधर का चाय बहुत फेमस है श्रीलंका में। और नुवारा एलिया नोन ही है टी फैक्ट्री के लिए, टी प्लांटेशन के लिए, तो उधर जाऊँगा कल, तो उधर जाके देखता हूँ कि कैसे पूरा चाय बनाते हैं सब कुछ। और तो कुछ नहीं, और कल ग्रेगरी लेक भी घूमना है। तो नुवारा एलिया को एक चीज़ है कि लिटिल इंग्लैंड बोलते हैं, तो ये मुझे सब बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा वो मतलब मेरे घर में भी मैंने जिसको बोला कि श्रीलंका जा रहा हूँ, तो उन्होंने भी बोला कि नुवारा एलिया एक चीज़ जगह है, तो ये ज़रूर एक्सप्लोर करो, तो कल तो एक्सप्लोर किया जाएगा। और एक चीज़ है बताना भूल गया आप लोगों को, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, मलेशिया हो या श्रीलंका हो, हर जगह आपको वो चीज़ तो मिल जाएगा कि आपके कान में आके बोलेंगे डू वॉन्ट टू मूव ऐसा टाइप। तो इधर भी जो ऑटो ड्राइवर है वो आके बोल रहे हैं कानों में कि चाहिए अच्छा श्रीलंकन बंदी हो जाएगा, और प्राइस भी सस्ता है। मैं बोला नहीं, तो ले लो ले लो, नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए मुझे कुछ। तो मैं बस देख रहा हूँ, इधर भी वैसा सीन है, तो जहाँ भी जाओ ये सीन तो आपको मिल ही जाएगा, जो मुझे समझ आया। मैं सोच रहा था इधर तो एटलीस्ट श्रीलंका में वो सब सीन नहीं होगा, लेकिन कैंडी में ऑलरेडी आके मुझे पूछ लिया गया है कि आपको चाहिए कि नहीं। तो अभी ऐसी बात है नहीं चाहिए, लेकिन पूछा तो गया, मतलब इधर भी सीन है। तो अभी बस सोच रहा हूँ कि खाऊँ तो खाऊँ कहाँ, सेफ बेट डोमिनोज केएफसी में चला जाऊँ या कहीं और, मतलब चाइनीज़ या इंडियन ट्राई करके देखूँ, इंडियन तो नहीं कुछ और ट्राई करके देखूँ, तो वही सोच रहा हूँ। क्योंकि तो दोपहर को ही श्रीलंकन क्यूजीन खाया, तो रात को वैसे भी मैं हल्का ही खाता हूँ, तो सोच रहा हूँ क्या करूँ कहाँ खाऊँ। बड़ी दुविधा में है भाई हम कि खाए तो खाए कहाँ कहाँ। और ये कुछ कैंडी सिटी सेंटर मॉल है, उसके टेरेस में आ गया हूँ, मस्त दिख रहा है ये देखिए। A few moments later. तो मिडलैंड डेली बोल के एक रेस्टोरेंट है, उधर आया। एक्चुअली खाना था तो राइस एंड चिकन करी, पर वो है नहीं, तो चिकन फ्राइड राइस बोल दिया है। 650 श्रीलंकन रुपये है, जो अपना 150 से 180 का होगा, तो एकदम नॉमिनल प्राइस है। और एक पानी भी लिया 140 कितना आएगा, 25-30 रुपीज़ आएगा। तो बस अभी खा के फिर होटल की तरफ, मतलब बीएनसी की तरफ जाना है। आज का दिन तो बहुत ही मस्त रहा,
तो फिर जाके थोड़ा रेस्ट लेना है, कल सुबह फिर से 7 बजे उठ के फिर निकल जाना है अपने ट्रेन के लिए नानुओया नुवारा एलिया के लिए। और अभी पिंग आया कि अगर मतलब जो नुवारा एलिया टू एलए जा रहा हूँ तो उधर के लिए मुझे ऑलरेडी एक होटल पिकअप होगा, तो पोस्ट ऑफिस तक नहीं जाना, तो ये एक अच्छा बात है। 11:30 बजे तो आराम से कल रात को सो पाऊँगा। तो फिलहाल यही अपडेट है और तो कुछ नहीं है। अभी थोड़ा भूख लगा है तो खा लेता हूँ खाना आने पर। और ये कुछ चेक दिया चिली टाइप्स, बहुत ही स्पाइसी दिख रहा है, और टोमेटो सॉस भी दिया फ्राइड राइस के साथ। अभी राइस नहीं आया तो वो सब दे दिए, और राइस भी आ गया और बहुत सारा राइस है, इतना राइस तो नहीं खा पाऊँगा। तो ठीक है, अभी जितना खा सकता हूँ खा लूँगा। तो एक है कि फ्राइड राइस में किशमिश देते हैं इधर, तो ये एक नया दिखा मुझे। अब टेस्ट खराब नहीं होता है फ्राइड राइस, अगर आप इधर आओ तो ट्राई कर सकते हो। तो खाना हो गया है कम्प्लीट, 790 हुआ है टोटल पानी मिला के। अभी नीचे जाके पेमेंट करके निकलता हूँ। और अच्छा था, मतलब पूरा पेट भर जाएगा आपका, इतना फ्राइड राइस दिया और बच भी गया इतना सारा, और नहीं खा पाऊँगा। तो ये कुछ कैंडी लेक का रात का नज़ारा है। ऑलरेडी बाइक बुक कर चुका हूँ तो उसका ही वेट कर रहा हूँ, आ जाने पे निकल जाऊँगा। और लोग सब पूछ रहे कि कैमरा देख के क्या आप ब्लॉगिंग करते हो, और चैनल नेम वेम पूछ रहे, तो अच्छा है। अभी तो बहुत ही टायर्ड हूँ भाई, थोड़ा जाके रेस्ट लेना पड़ेगा। ये पूरा आप जो देख पा रहे हो टी प्लांटेशन है। डैमरो टी एस्टेट में अभी देखता हूँ क्या है, 2000 है क्या पेमेंट करना है, तो अगर करना भी है तो कार्ड में हो जाएगा तो दिक्कत नहीं। ओके, दिस इज अल्टी वैरायटीज, दिस साइड दिस हैव वाइट टी, ग्रीन टी, दिस ऑल ब्लैक टी। तो अच्छा है, बहुत स्ट्रांग ऐसा नहीं है, मीडियम स्ट्रांग है टी। तो ये कुछ टी फैक्ट्री के इधर का बाहर का व्यू है, मस्त है। अगर शाम को आओ तो इधर बैठ के चाय वाय पियो, बहुत ही खूबसूरत जगह।